संदेश न्यूज में आपका इस्तकबाल है। बुलंद संदेश न्यूज से जुड़े रहने के लिए मैं रानी खान आपको आज लेकर के चलती हूँ जामा मस्जिद के चितली कबर इलाके में, जहाँ बहुत सारे बहुत बड़े बड़े होटल हैं, खाने के स्टॉल हैं, जहाँ का खाना बहुत फेमस है। यहाँ की चिकन बिरयानी, बहुत सारी ऐसी लजीज चीजें हैं जो आप लोगों ने हमेशा खाई होंगी, देखी होंगी, और यहाँ का बहुत सारी वैरायटी है। लेकिन मैं आपको लेकर के चल रही हूँ एक ऐसे छोटे से स्टॉल पे जहाँ का हलीम बहुत फेमस है, बहुत लजीज है, और बहुत ही कम कॉस्ट में जो वो आपको परोस रहे हैं। रियाजुद्दीन जी से हम मिलते हैं आप हलीम के लिए, चलिए आगे बात करते हैं। आपका नाम? नईमुद्दीन। पूरा बताएं। नईमुद्दीन पूरा नाम है, वाली साहब का नाम भाई बंधु हलीम वाले हैं जी, और मैं तीसरी जनरेशन से काम कर रहा हूँ, मतलब मैं तीसरी जनरेशन हूँ जी। जी ये काम आप खुद से कर रहे हैं जी? ये काम आपका कब से चल रहा है? तीसरी पीढ़ी है, अब ये तीसरी पीढ़ी पे मैं हूँ जी। ये काफी टाइम पुराना, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था उससे काफी टाइम से पहले से जी, 100-150 साल के करीब हो चुके हैं। तकरीबन आपकी सेल कितनी है जी? ये तो मतलब माल के ऊपर बात है, दुकानदारी के ऊपर बात है। जैसे जी ये है, अब ये 20 रुपए प्लेट है, ऐसे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, 10 की 20 की 30 की सबको दे देता हूँ जी। ये आपका स्टॉल कब से कब तक चलता है? ये मेरा 12 बजे चालू करते हैं मलिम, और 3:30 बजे तक रहता है, 3:30-4 बजे तक रहता है। 3.5 घंटे जी हाँ, आज जुम्मे की छुट्टी रहती है। मतलब आपके इलाके वाले आपके बहुत अच्छे फैन हैं? जी 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 जी, पूरी दिल्ली के अंदर सब आते सब खाने के लिए। गली भी कहते हैं इसको, गली कवाबियान भी कहते हैं, और बहुत से हलीम वाली गली भी कहते हैं।